नेक्स्ट एग्जांपल है वो कई तरह के आउटपुट प्रिंट करने के लिए लिया गया है, जिसमें सब तरह के आउटपुट हम प्रिंट कर रहे हैं एक साथ। सबसे पहले दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं जो स्क्वायर रूट प्रिंट कर रहे हैं, 900 का एंड 9 का। बाद में नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हैं जो 1 और 2, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल 1 एंड एक्सपोनेंशियल 2, ई की घात 1 और ई की घात 2 को प्रिंट कर रहे हैं। बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो नेचुरल लॉग ऑफ ई एंड नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, जो कि 1 और 2 आना चाहिए। उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट्स हैं जो लॉग 1, log 10 एंड log 100 ऑन base 10, base 10 वाले log की वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं 1, 10 और 100 के लिए, जो कि 0, 1, 2 आनी चाहिए। उसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं 13.5 की, 0 की एंड -13.5 की। तो 13.5 और -13.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13.5 होगी, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी। उसके बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो 9.2 एंड -9.8 का सेल नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो 9.2 का सेल नंबर 10 होगा, -9.8 का -9 होगा। फिर नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं जो इन्हीं नंबर्स के फ्लोर वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, तो फ्लोर वैल्यूज यहाँ क्योंकि ये इनपुट इंटीजर्स नहीं है, इसलिए फ्लोर वैल्यूज इनकी सेल वैल्यूज से एक एक कम होगी। तो 9.2 के लिए फ्लोर वैल्यू 9 एंड -9.8 के लिए फ्लोर वैल्यू -10। उसके बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो पावर्स 2 की घात 7 एंड 9 की घात 0.5, मतलब स्क्वायर रूट जैसा, उनको प्रिंट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है एफ मोड, जो 13.675 में 2.333 का भाग देने पर जो फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर आता है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद में तीन प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं जो साइन ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 0 एंड टेंजेंट ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। ये रन करने पर इसका आउटपुट आ गया है। आउटपुट को स्क्रॉल करके देख लेते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 930, स्क्वायर रूट ऑफ 93, इट पावर 1 जो ई की वैल्यू है, इट पावर 2 ई स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट हो गई, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई 1, लॉग ऑफ ई स्क्वायर 2, लॉग ऑफ 1 ऑन बेस 10 0, लॉग ऑफ 10 ऑन बेस 10 इज 1, लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 इज 2। Absolute value of 13.5 is 13.5, absolute value of 0 is 0, absolute value of -13.5 is 13.5, sale 9 of 9.2 is 10, sale of 9 -9.8 is -9, floor of 9.2 is 9, floor of -9.8 is 10, -10, 2 to the power 7 is 128, 9 to the power 0.5 is 3, 13.657 upon 2.333 is floating point remainder point is 1.992 and sine of 0 is 0, cosine of 0 is 1, tangent of 0 is 0. ये सभी आउटपुट है। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद में इन स्टेटमेंट्स के लिए जब इनको लिखा जाता है तो अक्स को क्या वैल्यू मिलेगी या क्या अक्स की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा अक्स इज इक्वल्स टू एफ ए बी एस 7.5, तो 7.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और अक्स को 7.5 ही आंसर में वैल्यू मिल जाएगी। बाद में फ्लोर ऑफ 7.5, तो वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 7.5 से बड़ा ना हो, तो 7 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है तो इसको यहाँ पर अक्स की वैल्यू 7 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.0, 0.0 की जिस एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी। सेल वैल्यू ऑफ 0.0 वो भी 0 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6.4 ये +6.4 होगी। सेल नंबर ऑफ -6.4 तो
तो माइनस सिक्स होगा। उसके बाद में है सेल ऑफ माइनस एफ ए बी एस ऑफ माइनस एट प्लस फ्लोर ऑफ माइनस 5.5। तो सबसे यहाँ इनर मोस्ट है माइनस 5.5 और उसकी फ्लोर वैल्यू, तो उसकी फ्लोर वैल्यू है माइनस सिक्स। माइनस सिक्स में माइनस एट ऐड होगा तो होगा माइनस 14, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी प्लस 14, लेकिन यहाँ एक और माइनस साइन लगा है ये उसको बना देगा वापस माइनस 14, और उसका सेल नंबर है वो माइनस 14 ही होगा।